लैंग्वेज में जो बोलते हैं भाभी पंजाबी में, इनकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भैया? तौलिया। तौलिया। तो अभी हम पांच बंदे हैं जो तौलिया खेलने लगे हैं। हमारी शुरुआत होती है सुबह 5 बजे, जो कि लुधियाना से श्री खाटू श्याम के लिए जाने का प्लान बनता है। तो ये इसका कुल डिस्टेंस 508 किलोमीटर है, तो जिसको हम लगभग 11 से 12 घंटों में कवर करते हैं। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल, इसके दारनाथ वाइफ ने ब्लॉग की स्टार्टिंग होगी। आज कुछ डिफरेंट सी आपको आवाज़ सुनने में को मिल गई होगी, क्योंकि एक्चुअली बात क्या है, जो मेरी रियल आवाज़ थी 1.5 साल बाद मुझे वापस मिल रही है। एक्चुअली परेड कराया था तो मुझे तो अभी बोला गया था कि यूट्यूब अभी मन नहीं करना, बट फिर भी यह कहते हैं ना, बाल की खाल नहीं जाती है। तो अभी हम दोबारा से फिर यूट्यूब शूटिंग करने लगे, और पहला टूर जो है वो बन रहा है हमारा श्री खाटू श्याम और सालासर मेहंदीपुर बालाजी का। तो वहाँ पे जाएंगे, हमारी सारी गैंग इकट्ठी हो चुकी हुई है। कुछ 6 बजे हमारे दिन सफ़र की शुरुआत हो चुकी होती है। तो हमारा पहला स्टॉप होता है रायकोट। रायकोट में एक जैन मंदिर है, तो वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट था। तो हम फुल मस्ती के साथ, फुल जोश के साथ लगभग 7:30 बजे अपना जैन मंदिर पहुँच के भी अपना ब्रेकफास्ट करने को रेडी हो जाते। तो अभी हम अपने दूसरे स्टॉप पर आ चुके हुए, जो है रायकोट। रायकोट में हम किसी जैन मंदिर में रुके हैं। तो ये हमारी सारी गैंग है। तो क्या नाम है भैया आपका? सार्थक जैन सर। संचित जैन। संचित जैन, आपका फुल मस्ती कर लिया हूँ। पूरी आपका 2 दिन मस्ती ना अपना रहना है, मस्ती करनी है। और इस वक्त अभी ब्रेकफास्ट कराएंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद ट्रैवल कराएंगे। और काफ़ी अभी डिस्टेंस अभी कवर करना है, लगभग आई थिंक 450 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका कवर कराएंगे। ब्रेकफास्ट डन हो चुका हूँ, काफ़ी अच्छा हमें ब्रेकफास्ट यहाँ पे करने को मिला, काफ़ी अच्छा था। और काफ़ी कुछ फ्रूट से लेके भटूरे छोले, काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट करने को मिला। तो आज ना जैसे ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं, चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चेकिंग आई थिंक इलेक्शनों के करके हो रही होगी। तो मतलब लगभग हमने 100 से 150 किलोमीटर कवर किया, और 10 से 12 जगह पर हमें चेकिंग करने के लिए मिले हैं। तो यहाँ पर सर ने चेकिंग की है, गाड़ी का नंबर नोट किया, और सर आगे पूरी चेकिंग कर रहे हैं। तो अभी हम अपने तीसरे स्टॉप पे रुके थे ओक्स वायर लेने के लिए, जो यार इतना बेकार हमें ड्राइवर मिला ना, कुछ भी नहीं है सारा उसकी गाड़ी में। तो ये भैया की दुकान पे आए थे, तो इन्होंने ओक्स वायर हमें लुधियाने वाले रेट में ही दी, जो हमारा काम है। तो इनको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे। तो क्या नाम है भैया आपका? सुमित अरोड़ा। सुमित अरोड़ा जी, आधे से ज्यादा रास्ता हमने कवर कर लिया हुआ है। यहाँ से श्री खाटू श्याम भी जाएंगे सिर्फ 110 किलोमीटर। अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, जो टी ब्रेक था। एक्चुअली काफी लंबा टाइम हो गया था हमें ट्रेवल करते हुए। तो काफी मजेदार सीन है यार, यहाँ पे काफी मजा आ रहा है। तो लगभग सब भी सुबह से 6 बजे से कंटिन्यू चल रहे हैं। जिस लोकेशन पे रुके हैं वो लोकेशन आपको दिखाते हैं। लोकेशन देखिए क्या जबरदस्त लोकेशन है, ऐसा ट्रिप मैं पहली बार कर रहा हूँ। एक अजूबा दिखाऊँ आपको, वहाँ -44 है, +44 डिग्री टेम्परेचर है, और फुल ऑफ गर्मी है। ये एसी की है वो काम नहीं कर रहे, और हम देखो क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसको कहते हैं पक्के चाय वाले, इसको बोलते हैं ना कि चाय के बिना रह नहीं सकते, वो आ रहा है हमारा। चलो पंजाबियों का रह नहीं सकते, चाय के बिना नहीं रहते पंजाबी, हिमाचल वाले खाते नहीं है। तो भाई ना हमें कुछ बता रहे थे, भैया क्या बता रहे थे, गर्मी क्या चीज है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यहाँ पे, ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट यही है गर्मी का, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट यही है। अच्छा, चोरू डिस्ट्रिक्ट। ओके, और सर्दी का भी यही है। ओके, मतलब सर्दी भी सबसे ज्यादा पड़ती है और गर्मी भी सबसे ज्यादा पड़ती है। थैंक यू।
की जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। श्याम बाबा की जय। श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा वाले के बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ आ रहा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है जी दूंगा। तो इस वक्त हम खाटू श्याम की गलियों में आ चुके हुए हैं। लगभग हम सुबह 6:30 निकले थे और 5:30 हो गए हुए हैं जब हम खाटू श्याम पहुँचे हैं। काफ़ी लंबा रूट था यार, पर रास्ते में हम काफ़ी मज़ा किया। मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यार, 44 डिग्री, इतनी गर्मी थी ना, बुरे हाल हो चुके हुए हैं। बट यहाँ पे भी इतनी भीड़ नहीं है, चलो ये सबसे अच्छी बात है। अभी हम थोड़े दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद आगे का जो प्लान है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अरे के सहारे जय श्री राम। जय श्री राम। और खाटू नरेश बाबा बस तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे मां जी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ देखो बाबा शाम तुम गले लगा जाओ आ रहा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जय श्री राम। जय श्री राम। दीन बंदारी की जय। बतार की जय। अरे के सहारे की जय। की बोलो सेठों के सेठ की खाटू नरेश की जय। तो अभी हमने अंदर एंट्री कर ली है, अच्छी बात। हमारे कुछ थोड़ा है अंदर, दर्शन करने के लिए तो काफी एक्साइटेड हूँ। काफी टाइम बाद एक्साइटमेंट लेवल है ना काफी हाई है सबका, काफी मजे आ रहा है, काफी ही ज्यादा मजा। तो हमने प्रसाद में एक जिसको बोलते चूड़ी प्लस एक रोज़ ले लिया, अभी कह रहे हैं लड्डू आगे से लेने हैं। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है यार, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आ रहे हैं तो बस अब ललक लगी हुई है कि कब जाएं और कब जाके अंदर आके दर्शन करें। तो बस यार बाबा जी से बहुत सारी प्रार्थनाएँ करनी है, वो करके फिर आपसे मिलते हैं आगे देखते हैं। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड हुई तो आपको भी दर्शन करा देंगे, नहीं हुई तो चलो कोई बात नहीं, जैसे बाबा की मर्जी। तो अभी अभी नए नए ना एडवेंचर हो रहे हैं, अभी रास्ते ही हम भटक चुके हुए हैं। तो कोई कह रहा है कहाँ से जाना है, कोई कह रहा है कहाँ से जाना है। तो चलो अभी हम ना जैसे जैसे हैं रास्ता ढूंढ रहे हुए निकले हुए हैं। तो जयपुर वाले अंकित जी हूँ अगला प्लान किया ओके साला सर सारी रात में स्टे है ओके ते उस तो नेक्स्ट दर्शन करके फिर है सवेरे 3-4 बजे नहा के उसके बाद दर्शन करेंगे जी ओके उसके बाद फिर अगे दी प्लानिंग तो उसके बाद अगे किते और हैगा कोई प्लान या सीधा लुधियाने दा ही है बैक टू बाकी सवेर तक पता लगेगा बिल्कुल हैगा कि प्लान ओके ते मतलब कल कितने बजे तक भी उम्मीद है कि आपा लुधियाने हो सकते हैं ओके चलो बाकी जो भी प्लान बनया तो अगे जाके दसते रहेंगे अपग्रेड करते रहेंगे। तो काफ़ी मज़ा आया ना दर्शन करके बहुत खुले दर्शन एक्चुअली असं सोचा ही वीकेंड हैगा रश होगा सू टाइम लग जूगा बट हार्डली सू 10 मिनट लगे
10 मिनट के अंदर असं दर्शन करके बाहर भी आ गए। प्लस हूँ आप देखो खाटू श्याम की गलियों चो निकल रहे हैं, काफ़ी ही यार मज़ा आ रहा है इतने। तो असं कह रहे हैं जिन्ना टाइम स्पेंड हो सकता अभी होर कर लीए, इसी करके असी ऑटो नहीं करते पे। तो काफ़ी ही यार एक्साइटमेंट सी, काफ़ी सालों बाद मैं 2 साल बाद आके दर्शन कर रहा है। तो वहाँ पे रुक के हम लंच करते हैं क्योंकि एक्चुअली बस सुबह से भाग भाग के मतलब हमारा पेट में चूहे कूद रहे थे, तो हमने वहाँ पे लंच किया और आगे सलासर बालाजी के लिए निकल पड़ते हैं। सभी काफ़ी एक्साइटेड थे। तो अभी लंच डन हो चुका हुआ है, तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सलासर। तो लगभग 1 घंटे की राइड रह गई है और तो उसके बाद वहाँ पर हमने ऑलरेडी ऑर्डर पहले ही बुकिंग की हुई है। तो रात को देखते हैं कि आज रात को दर्शन करेंगे या कल सुबह करेंगे, जैसे भी होगा आपको आगे ब्लॉग में बता दिया जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, बट जिस मर्जी रेस्टोरेंट में जाओ तो वो पंजाबियों वाला मतलब ना कहते हैं चस्का नहीं मिल पाएगा। तो फूड कितना लग गया? वो वधिया जी, क्या लग गया पंजाबी वाला स्वाद लग गया? बहुत इंटरेस्टिंग, चाह बहुत वधिया थी, चाह जरूर स्वाद लगी, पर मेनू पर्सनली तौर पे पंजाबियों वाला वो फील नहीं आया, बट आया टेस्ट दे हिसाब ना ठीक सी, नॉट गुड नाले दा या पका से बैठ नहीं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, सारे के सहारे की जय। पहचान लेना मोनिया से कुछ ओ पुराने छाई काली घटाए तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बाबा की छतरी के नीचे हूं मैं, आगे आगे वो चलते मेरे, मेरे श्याम बाबा के पीछे हूं मैं, बाबा ने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है, इनके रहते कोई क्या करे, भला किसकी क्या औकात है। पर्सनली तौर पर मैं कहना चाह रहा है सिंगर बन गए यार, सारे पीछे छड़ दोगे, बड़ा ही वधिया तरीके ना। जय श्री श्याम, जय